So well, hey guys, it's the Catalyst Trader Pankaj and I'm back again with another DIY video. So let's get started with this video. So guys, आपको पता ही है मैं बहुत दिनों से वीडियोस को अपलोड कर नहीं रहा था. इसका ये मेन रीज़न था, मेरे एग्जाम चल रहे थे, मैं उसके प्रिपरेशन में लगा हुआ था, इसलिए मुझे टाइम लग रहा था और मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था. लेकिन अब एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं और अब मैं वापस से वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूँगा. तो जो ये वीडियो है, ये एक DIY होने वाला है जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने नाम को एक सोलर सिस्टम में पेंट कर सकते हैं. यानी कि आप एक सोलर सिस्टम बनाएंगे, उसके ऊपर अपना नाम लिखेंगे. फर्स्ट स्टेप में आपको एक वुडन पीस लेना है या अपना एक जिस भी चीज़ पे आप आर्ट करने वाले हैं उस पीस को आप ले लीजिए. जहाँ पे भी आप पेंट कर रहे हैं वहाँ पे आप पहले न्यूज़पेपर्स को अच्छी तरीके से बिछा लीजिए और फिर ही वहाँ पे पेंट करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी मम्मी यहाँ पे बहुत गुस्सा हुए और आपको उसका प्रसाद मिल जाए. जो नेक्स्ट स्टेप है, उस स्टेप में आपको अपने पेंट्स चूज़ करने हैं कि आप कौन कौन से पेंट्स यूज़ करेंगे. तो मैं जो इस वीडियो में पेंट्स यूज़ करने वाला हूँ वो होगा ब्लू, ग्रीन, वाइट, ब्लैक एंड येलो. तो चलिए ज़्यादा बातें शुरू ना करते हुए हम अपने पहुँचते हैं अपने आर्ट वर्क में. तो जैसे कि अब आप ये देख पा रहे हैं, ये मैंने एक बड़ा सा पीस ले लिया है जिसमें मैं अपनी आर्ट को करने जा रहा हूँ. तो गाइस, अब जैसे कि हमको एक सोलर सिस्टम बनाना है तो उसमें प्लैनेट्स होंगे. तो हम एक प्लैनेट को अर्थ लेके चलते हैं. अर्थ होती है ब्लू और ग्रीन कलर की, जैसे हमने ज़्यादातर मूवीज़ में देखा है. तो हम वैसे ही ब्लू कलर अभी पेंट कर रहे हैं और इसके बाद अब हम शेड्स ऑफ ग्रीन को पेंट करेंगे और थोड़ा बहुत ब्लैकिश इफेक्ट के लिए ब्लैक पेंट को भी कर देंगे. तो गाइस, आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि जब आप ये पेंट करें तो आपको ये नहीं करना है कि आपके पेंट सूख जाएं, आपको उसका वेट नहीं करना है. आप ट्राई करना कि पेंट गीले ही रहें, क्योंकि अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पेंट जो मैंने करे थे वो सूख गए थे, इसलिए अब मेरे को सेकेंड लेयर ऑफ पेंट करनी पड़ी. तो अब ये मैं कर ही रहा हूँ ताकि जब ये पेंट की लेयर हो जाए और जब पेंट गीला हो तो हम न्यूज़पेपर को इसमें रखेंगे और न्यूज़पेपर को प्रेस करते हुए स्लाइड करते हुए बाहर की तरफ को निकालेंगे ताकि एक इफेक्ट सा बन जाए जो कि देखने में अच्छा लगे और उससे जो पेंट है वो भी एकदम सही तरीके से स्मज हो जाए और थोड़ा रियलिस्टिक सा आपको दिखाई दे. सो गाइस, नाउ एज यू कैन सी कि मैंने अच्छी तरीके से पेंट कर दिया है और मैंने दोनों तरफ एक दूसरे दूसरे शेड्स के पेंट करे हैं ताकि जो प्लैनेट्स हैं वो अलग अलग तरीके के लगें. और अब जो है, जैसे कि प्लैनेट सर्कल शेप में होते हैं, आपको उसी तरीके को उस शेप को बनाने के लिए दो बोल्स को रख देना है कुछ इसी तरीके से जैसे मैंने रखा है. साइज़ और शेप आपके डिपेंड करता है, आप किसी भी शेप और साइज़ में बना सकते हैं अगर आप प्लैनेट ना बना रहे हो. तो उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्योंकि यूनिवर्स ब्लैक होता है, लेकिन मेरे पास ब्लैक पेंट ज़्यादा नहीं था इसलिए मैं उसमें वाइट कलर मिक्स कर रहा हूँ, जिस वजह से वो थोड़ा ग्रेश इफ़ेक्ट बन जाए और उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी बढ़ जाए और मैं इसे पूरे के पूरे बोर्ड के एरिया में स्प्रेड कर पाऊँ. ठीक इसी तरह आपको भी कुछ ऐसा ही करना है और आपको भी एक बड़ा सा यूनिवर्स सा ही बना देना है. और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप जैसे मैं स्टेप्स बना रहा हूँ आपको ये फॉलो नहीं करना है तो आप मत कीजिए. आप ये भी कर सकते हैं कि आप जैसे कि मैंने इतनी सारी स्पेस बीच में छोड़ी है उसकी जगह आप और ज़्यादा प्लैनेट्स बना दें और जो एंड में जो नाम लिखने वाला पार्ट है वो उन प्लैनेट्स के ऊपर से लिख दीजिए. बाकी मैं अभी आपको स्टेप्स दिखा रहा हूँ, आप इनको फॉलो कीजिए और मेरा DIY एक बार पूरी तरीके से अच्छे से देखिए. सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो मैंने पेंट करा था वो सूख गया था, इसलिए अब जैसे कि आपको पता है कि यूनिवर्स में स्टार्स भी होते हैं, गैलेक्सी में स्टार्स भी होते हैं, इसलिए मैंने पेंट ब्रश में पेंट डाला, उसे अब मैं स्प्रिंकल कर रहा हूँ कुछ इसी तरीके से. आप टूथब्रश में मत डालिएगा क्योंकि फिर वो बहुत सारे पेंट के छीटे एक ही साथ हो जाएंगे, आपको थोड़े लंबे तरह या कुछ दूसरे तरह के डिज़ाइन से करना है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही जब आप करेंगे तभी अच्छा दिखेगा. अगर आप पेंट से ब्रश से करेंगे तो उतना अच्छा नहीं दिखेगा. तो ठीक है, इसी तरीके से आप मेरे स्टेप्स को फॉलो कीजिए. और अब जो है, मैंने पूरा हमारा DIY कंप्लीट हो गया है. इसमें अब मैं अपने नाम की ब्रांडिंग कर रहा हूँ, यानी कि द कैटलिस्ट राइडर पंकज लिख रहा हूँ. तो इसमें आप अपने खुद का नाम भी लिख सकते हैं या आपको अगर नाम नहीं लिखना है तो केवल जहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ वहाँ पे और ज़्यादा प्लैनेट्स बना दीजिए और ज़्यादा उसे डेकोरेट कर दीजिए. बाकी अब आप इस DIY को कंप्लीट होते हुए देखते हुए एंजॉय कीजिए.
सो गाइज, अगर आपने मेरे इस लिखने की टेक्निक को ध्यान से फॉलो करा होगा तो आपने ये बात नोटिस करी होगी कि पहले मैंने लिखने से एक बार थोड़ा लाइटर शेड में इसे लिखा है, और फिर जब मैंने एकदम इसको परफेक्टली एकदम मतलब कि मैंने इसे इंश्योर कर लिया है कि इसी साइज़ में मेरे को ये एकदम ऐसी फॉन्ट में चाहिए, फिर उसके बाद जाके मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा और पेंट लगाया और फिर डार्क कराया। ठीक इसी तरह आप भी ऐसे कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस को ट्राई कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप आपको DIY पसंद आया हो। DIY पसंद आए तो वीडियो कर दे लाइक, मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और जो नोटिफिकेशन बेल है हाँ ऐसी उसको दबा दो, जिस वजह से आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। सो गाइज, एक और चीज़ बतानी थी, जो हमारी वीडियोज़ हैं उसमें एक दो वीडियोज़ हैं जो हमारी 1000 व्यूज़ पार कर चुके हैं। हाँ गाइज, 1K व्यूज़ पार हो चुके हैं दो वीडियोज़ में, एक वीडियोज़ तो 1.5K व्यूज़ पार करने वाली है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी उनके लिंक्स मैं आपको दे दूंगा आई बटन में, एक बार आप भी जाके देखिए अगर आपने उन वीडियोज़ को मिस कर दिया है तो। टिल देन, दिस इज़ अ कैटलिस्ट राइटर पंकज साइनिंग ऑफ। टिल देन, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड विथ मी बाय फॉलोइंग मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स, Instagram, Facebook and Twitter. The IDs for the same have been provided on your screen.